मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करने की बात कही, वहीं गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गड़बड़ी की तो नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में पहला प्लॉट आज जवाहरपुरा गाँव के 40 भाइयों को देकर आज प्रदेश में यहाँ से योजना का शुभारम्भ किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का हर गरीब मालिक होगा। इसके साथ ही उन्होंने 13,000 करोड़ के काम स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर करीब 1:30 बजे निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पृथ्वीपुर कस्बे में आयोजित एक धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है और क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बुंदेलखंड की जनता बिकाऊ नहीं है, इसे कोई नहीं खरीद सकता। इसके बाद वह भोपाल के लिए रवाना हो गए। जो अच्छा काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, अपने समाज के अंग हैं, उनको मैं सम्मानित करूंगा और गड़बड़ करने वालों को नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। सतर्क रहे, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ गया, खाके 10-15 आ जाए। कमलनाथ कह रहे थे वो तो नारियल जेब में ही धरे रहे और हर कहीं नारियल फोड़ में, आज मुझके नारियल फोड़े हमने और बहुत कम सबने नारियल फोड़े। काहे काहे के फोड़े सुन लो कमलनाथ, अब तुम्हें ही सुन लो जितने हमने नारियल फोड़े। और जा तो अभी शुरुआत है हमारी, हमने नारियल फोड़ो आज पृथ्वीपुर में सीएम राय जी स्कूल खोल दे को नारियल, हमने दूसरों नारियल फोड़ो रोहतेरा कोली सिमरिया लोहरगवा के रोड को 6 किलोमीटर को 4,80,51,000 को हमने नारियल फोड़ो, जेरोन में नाला निर्माण को हमने नारियल फोड़ो, अंबेडकर भवन निर्माण को हमने नारियल फोड़ो, बस स्टैंड जेरोन में निर्माण को हमने नारियल फोड़ो, व तालाब में सौंदर्यीकरण को। और दिघोड़ा वाले आएगा, अरे हमने नारियल फोड़ो दिघोड़ा की तहसील को। पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता का हृदय से आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद जनता ने दिया है, आज धन्यवाद देने और यही कहने कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज पहले दिन ही लगभग 13,000 लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ प्रदान करने का अभियान प्रारंभ हुआ है, विकास के अनेकों कामों के लिए नारियल भी फोड़ा है, भूमि पूजन भी किया है, तो विकास का ये अभियान जारी रहेगा। शिशुपाल को जिताने के लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पृथ्वीपुर से दिनेश झा की रिपोर्ट।